हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज मैं बताने वाली हूँ जितिया लॉकेट के बारे में। जी हाँ, जितिया लॉकेट पहनना चाहिए, गोल्ड का पहनना चाहिए, चांदी का पहनना चाहिए या धागा पहनना चाहिए। तो अगर आप जितिया करते हैं तो आप गोल्ड भी पहन सकते हैं, चांदी का भी पहन सकते हैं और धागे का भी पहन सकते हैं। कहते हैं जथाशक्ति वथा भक्ति। जी हाँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो गोल्ड का लॉकेट पहन सकते हैं जितिया बनवा के, नहीं तो आप चांदी अफोर्ड करते हैं तो चांदी, और नहीं तो अगर आप नहीं कुछ भी अफोर्ड करते हैं तो सिंपल सा धागा भी आप पहन सकते हैं। और जितिया का डिज़ाइन लेटेस्ट बहुत सारा मार्केट में है, बहुत तरह का है। बहुत सारे लोग पहले जो होता था सिंगल सिंगल लोग बनाते थे, जितना बेटा उतना जितिया होता था। अब मॉडर्न ज़माना हो गया है तो उसके अनुसार लोग जितिया बनाते हैं। एक ही लॉकेट में तीन चार रहता है, सिरखार बना दिया जाता है जितिया का, तो हो गया जितना आपके पुत्र हैं उतना बनाया जाता है जितिया। और बहुत सारे लोग कुछ बातें हैं जो कि जितिया से रिलेटेड है। जी हाँ, जितिया बदलवा के आप कोई भी गहना नहीं ले सकती हैं, जितिया बदलवा के आप जितिया ही ले। और जितिया देकर जितिया किसी को दे नहीं, कहते हैं जितिया नहीं दिया जाता। अगर आप भूलवश किसी को दे दी हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और जितिया लेटेस्ट मार्केट में बहुत सारा डिज़ाइन अवेलेबल है, आपको जो जितिया पसंद है आप ले सकती हैं। और जितिया जो होता है वो साल में एक बार लोग धागा बदलवाते हैं, मेरे यहाँ ऐसा होता है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं, अगर नहीं होता है तो भी कमेंट्स करके मुझे बताएं। और कैसा लगा आप सभी को हमारा ये जितिया डिज़ाइन, जितिया लॉकेट? आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी प्लीज़ मैम बनाइए, तो मैं सोची क्यों ना बनाया जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को इन तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।